सुशांत सिंह राजपूत के सुसाइड के बाद उनकी मच अवेटेड फिल्म दिल बेचारा 24 जुलाई को रिलीज हो गई। ये फिल्म जॉन ग्रीन की नॉवल द फॉल्ट इन आवर स्टार्स पर बेस्ड है। फिल्म में सुशांत सिंह राजपूत के अलावा संजना सांगी, स्वास्तिका मुखर्जी, सैफ अली खान और मिलिंद गुनाजी मुख्य भूमिका में थे। ये फिल्म सुशांत सिंह राजपूत की आखिरी फिल्म थी और मुकेश छाबड़ा की बतौर डायरेक्टर पहली फिल्म। सुशांत सिंह राजपूत आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन अपने पीछे शानदार काम, बेहतरीन फिल्में, समझदारी और कई यादगार पल देकर गए हैं। इनमें सुशांत की आखिरी फिल्म दिल बेचारा भी शामिल है। फिल्म ने ऑडियंस को काफी भावुक कर दिया है और डायरेक्टर मुकेश छाबड़ा ने इस फिल्म की शुरुआत में सुशांत सिंह राजपूत को दी है श्रद्धांजलि। फिल्म के ओपनिंग सीन में सुशांत सिंह राजपूत मस्त होकर गिटार बजा रहे हैं और इस वीडियो के नीचे सुशांत सिंह राजपूत की तरफ से कई लाइनों को कोट किया गया है। जी हाँ, फिल्म की शुरुआत में सुशांत सिंह राजपूत हाथों में गिटार लिए बजा रहे हैं और कुछ लाइनें उन्हीं की तरफ से लिखी हुई नीचे कोट की गई हैं। ये हैं वो खूबसूरत लाइनें, शायद जो दुखी है, जो शानदार है, उसके बीच का अंतर विश्वास की छलांग में निहित है। आपको बता दें कि फिल्म को अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। फिल्म देखने के बाद लोग फिल्म और सुशांत सिंह राजपूत की एक्टिंग की तारीफें कर रहे हैं। फिल्म क्रिटिक्स दिल बेचारा को अच्छी रेटिंग्स दे रहे हैं। वहीं फिल्म के रिलीज होने के 2 घंटे के बाद ही दुनिया की सबसे बड़ी रेटिंग अथॉरिटी IMDb ने दिल बेचारा को 10 में से 10 रेटिंग दी है। ये 1048 रेटिंग पर बेस्ड है। फिल्म की कहानी बेहद दिल को छू लेने वाली है। फिल्म में सुशांत सिंह राजपूत जब स्क्रीन पर आते हैं तो एक पल में वो आपको हंसाते हैं और अगले ही पल आपकी आंखें नम कर जाते हैं। संजना सांगी के साथ सुशांत की केमिस्ट्री बेहद मज़ेदार लगी है। फिल्म में मैनी के किरदार को निभा रहे सुशांत को पर्दे पर देखना बेहद भावुक कर देने वाला है। फिल्म में सुशांत के किरदार का नाम मैनी है। मैनी का किरदार बहुत हद तक असल जिंदगी के सुशांत से मिलता जुलता है, खुश मिजाज और अपनी ही दुनिया में रहने वाला। अगर आपने दिल बेचारा देख ली है तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में आकर ज़रूर बताएं कि आपको सुशांत सिंह राजपूत की ये फिल्म कैसी लगी।